हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीस रिव्यूज। इस वीडियो में हम लोग जो मॉडर्न इंडिया का जो ओल्ड एनसीईआरटी है बिपान चंद्रा का, उसका रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि और इम्पोर्टेंट फीचर्स वगैरह मैं जल्दी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है। मतलब न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं। जो भी नया प्रिपरेशन करते हैं वो ऑलरेडी जो प्रिपरेशन कर चुके हैं एक्चुअली। ओके, तो ये नया और ओल्ड में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है? मतलब नया जो भी एनसीईआरटी रहता है हिस्ट्री का, काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स और कंटेंट थोड़ा कम हो चुका है, बट ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर इसलिए ये पर्टिकुलर बुक प्रेफर कर रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी का, जो हिस्ट्री का विभाग बन रहेगा। तो इसमें कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा लाइक कंटेंट इसमें अवेलेबल है कंपेयर टू द न्यू एनसीईआरटी। और दूसरे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं बताना चाहता हूँ, ये जो बिपान चंद्रा और आर एस शर्मा वगैरह प्रॉपर हिस्टोरियंस ने लिखा है एक्चुअली, तो आप एक स्टोरी जैसा आपको पूरा लगेगा। एक दो बार या दो या तीन बार पढ़ने से आपका पूरा ये आइडिया आपको बिल्कुल सॉलिड हो सकता है। और दूसरा चीज़ है, ये वाला बुक आपका मेन आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि वो हिस्टोरियंस जो लिखने का तरीका रहता है वो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखते हैं, बट एनसीईआरटी में वो बच्चे लोगों को समझने के लिए इंट्रैक्शन वगैरह रहता है। ओके, तो उससे पहले हम देखते हैं इसका कंटेंट्स वगैरह। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी ब्लैक एंड व्हाइट में आपको मिलेगा, चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो चलो अभी देखते हैं एक्चुअली ये बुक का मतलब कंटेंट्स वगैरह क्या है इसमें। सो चैप्टर वन में इंडिया इन 18th सेंचुरी एंड यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ द बर्थ, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर काफी सारा क्वेश्चन आता है, मतलब जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो ज्यादा से ज्यादा ओल्ड एनसीईआरटी से फोकस्ड है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज। ओके, सो अब देखो चैप्टर लाइक आप पोस्ट करके पूरा चैप्टर देख सकते हैं, तो मैंने पूरा पढ़ लिया। तो आप लाइक मेन इंपॉर्टेंस लाइक 1919 to 1927 स्ट्रगल फॉर स्वराज एंड स्ट्रगल फॉर स्वराज सेकंड पार्ट 147 तक। तो इसमें आप देखो पूर्ण स्वराज इंपॉर्टेंट चीज अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में दिया है इन लोगों ने, लाइक सीडीएम मूवमेंट वो सब चीज़ आराम से, मतलब इट्स लाइक समझने के लिए काफ़ी आसान है। ओके, तो अब देख सकते हैं इसका प्रेजेंटेशन कैसे है, तो हम इसमें जाते हैं एक्चुअली। ओके, तो अब देखो अच्छी लाइक पेंटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा दिया है, और फोटोज़ वगैरह ब्लैक एंड व्हाइट है और पेंटिंग्स जो लिखा वगैरह, बट अपने काम तो हो जाता है, इतना ये नहीं है, सिर्फ वर्ड्स ही है। आपको अच्छी अच्छी पिक्चर्स मिलेगा, वो भी रिलेबल पिक्चर्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तो रहेगा, तो ये सब चीज़ प्रेजेंटेशन वाइज काफ़ी बढ़िया है। और आप कभी भी देखो तो कंटिन्यूसली स्टोरी जैसा लिखा है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसको हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं भी एक इम्पोर्टेंट कुछ लाइव क्लासेस के बारे में बोला, तो आपको 6 फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बताने वाला है, वो अन अकेडमी की तरफ से, वो बिल्कुल फ्री है। और यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए लाइक टॉप अन अकेडमी के जो एजुकेटर्स है, तो उन लोगों की तरफ से आपको फ्री क्लासेस मिलने वाले हैं। चलो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्लासेस वगैरह आपको क्या मिलने वाला है एक्चुअली। एक तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी का, लाइक जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जो इंपॉर्टेंट लाइक टर्म्स वगैरह रहते हैं इकोनॉमी बेस्ड, उसका एक लेक्चर आपको मिलने वाला है। एंड स्पेस मिशन के बारे में एक क्विक डिस्कशन आता है, आप याद रखना हमेशा प्रीलिम्स में दो क्वेश्चन स्पेस के बारे में पूछते रहते हैं एक्चुअली। ISRO का मिशन पूछते हैं या नासा का पूछते हैं और स्पेस, मतलब डिफरेंट लाइक स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पक्का रहता है, तो ये काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। और जो करंट अफेयर्स आपको 2 to 8 November जो व्हाट ए वीक करके एक नया इनिशिएटिव है, दैट इज आल्सो रियली गुड। एंड कंपेयर जीएस स्ट्रेटजी एंड प्रीलिम्स एंड मेंस बुक लिस्ट की, आप उसका भी आपको एक स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट भी मिलने वाले हैं। और लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए एंड इंटरव्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट का। एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आस्क इन यूपीएससी मेंस फ्रॉम हिस्ट्री, तो आपको एक और लाइक इन डेप्थ में आ रहा है, मतलब जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन में हिस्ट्री में। तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, क्विक डिस्कशन ऑफ स्पेस मिशन, व्हाट ए वीक, एंड कंपेयर स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, सेशन ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये तो आप जरूर देख लेना एक्चुअली। और अनुज गर्ग का क्लास तो काफी मस्त रहता है, वो तो आप लोगों को पता है। तो इसको देखने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया, वहां से आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आप बिल्कुल फ्री ये वाला जो 6 फ्री क्लासेस है उसको आप देख सकते हैं। ओके, मेनली कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन रहता है, मतलब ज्यादा हमारा प्रिलिमिनरी टॉपिक वगैरह के लिए हिसाब से नहीं है, बट इट इज गुड एक्चुअली। ओके, तो काफी सारा चीज, मतलब इसके बारे में मेन क्या क्या चीज है, एक तो एक हिस्टोरियन ने लिखा है बुक, और काफी छोटा बुक है, आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं, और पूरा मैक्सिमम 80 to 90% चीजें इसमें कवर हो जाते हैं। बट इसमें आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जैसे आपका कंसेप्ट हिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग आता है ना, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से आंसर कर सकते हैं। तो ये बुक मतलब काफी सारा टॉपर्स ने सजेस्ट करते हैं, और काफी सारा ये
एक्चुअली क्वेश्चन जो डालने वाला लोग भी ये पुराना टाइप का एनसीईआरटी ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो एक फ्लो ऑफ एक प्रॉपर स्टोरी लाइन से चले जाते हैं। आप स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ते हो तो मतलब पूरा फैक्ट्स रहते हैं, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, बट ये बुक बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहता है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों का दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।